क्लास 10 चैप्टर 5, चैप्टर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। अब एपी का क्या होता है, उससे पहले एपी समझने से पहले हम ये समझते हैं, मैं हर जगह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस्तेमाल ना करके सिर्फ एपी वर्ड इस्तेमाल करूँगा, और आपके मेरे ख्याल से स्कूल के टीचर्स भी वही इस्तेमाल करते होंगे, वो ज़्यादा शॉर्ट में रहता है एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समझने से पहले हम ये समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सपोज कोई भी एक पैटर्न दे रखा है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे एक पैटर्न चल रहा है, या फिर एक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक पैटर्न चल रहा है, या 3, 6, 9 ऐसा एक पैटर्न चल रहा है, तो ये सब एक पैटर्न बन रहे हैं, ये सब क्या है, एक पैटर्न बन रहे हैं। इस तरीके के पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। इस तरीके के जो पैटर्न्स बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अगर इन्हीं सीक्वेंस को हम एक डेफिनेट ऑर्डर में लगा दें, इन सीक्वेंस को या इन डिजिट्स को या जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, अगर उसको मैं डेफिनेट ऑर्डर में लगा दूं, इस तरह डेफिनेट ऑर्डर में लगाऊं कि उसकी पहले वाली डिजिट सपोज मैं, चलिए और समझाता हूं, थोड़ा और ढंग से समझते हैं, ठीक है। जैसे ये A1, A2, A3, A4 सपोज ये चार डिजिट है, ये एक पैटर्न में है, ठीक है। ये कब एपी कहलाएंगी वो मैं बताता हूँ, जब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, यानी जब इनके बीच का जो डिफरेंस है, सपोज इनके बीच का डिफरेंस है डी, जब मैं ए टू में डी ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, ए थ्री आ जाए। ए थ्री में डी ऐड करूँ, यानी ये वाला डिफरेंस, ए थ्री में डी ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, ए फोर आ जाए। यानी पहले वाली इनके बीच का डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जब मैं ऐड करूँ तो मेरे पास सक्सीडिंग टर्म, यानी आगे वाली टर्म मेरे पास आ जाए, या फिर जब मैं आगे वाली टर्म का डिफरेंस माइनस करूँ तो मेरे पास प्रीसीडिंग टर्म आ जाए। ये होती है मेरी एपी। इस तरीके के पैटर्न्स को या सीक्वेंस को हम कहेंगे एपी, ठीक है। जनरली एपी, जैसे सपोज ये एक एपी दे रखी है, हम ये मानते हैं एपी, इसकी जो पहली टर्म होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। लास्ट जो टर्म होती है, हमेशा जो लास्ट टर्म होती है एपी की, वो ए एन से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में या सीक्वेंस में, वो एन से रिप्रेजेंट होती है। इन दो डिफरेंस, इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस, वो डी से रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इनको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इनको कॉमन डिफरेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब मैं A1 में से A2 माइनस करूँ, सॉरी A2 में से A1 माइनस करूँगा तब मेरे पास D आएगा, यही जब मैं A3 में से A2 माइनस करूँ वही सेम वैल्यू जो यहाँ है वही यहाँ आनी चाहिए, तभी ये एक AP बनेगी, अदरवाइज ये AP नहीं फॉर्म होगी। क्योंकि अगर सेम डिफरेंस नहीं आ रहा तो ये सीक्वेंस नहीं बन रहा, और सीक्वेंस नहीं बन रहा तो AP भी नहीं बनेगी, इसलिए इनको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, कि इनका डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो। और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखते हैं। डी मुझे निकालना है तो मैं बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर दूंगा, इसी तरह एक और डी निकालना है तो मैं A3 में से A2 को माइनस कर दूंगा, इसी तरह मुझे एक और डी निकालना है तो मैं A4 में से A3 माइनस कर दूंगा A3। इस तरीके से मैं डी यानी कॉमन डिफरेंस मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे हम सिर्फ दो बार डी निकालेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे और A3 में से A2, तीसरी बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 5 बार करें, कोई मना नहीं है, लेकिन वो टाइम वेस्ट है, करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दो बार डी की वैल्यू सेम आ रही है तो तीसरी, चौथी, 5 बार के 10 बार भी करेंगे तब भी सेम ही आएगी, तो इसलिए अगर डेट दे रखी है तो ये करेंगे। अब एक टर्म आती है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, देखिए मीन आपको पता है एवरेज होता है। अब एवरेज, जैसे कि सपोज एक इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन AP, सपोज ये एक AP में है, ये एक सीक्वेंस दे रखा है AP में, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मुझे एक ये दे रखा है तो इसका मुझे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, A प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू B, इस तरीके से निकलता है हमारा अर्थमेटिक मीन। यानी फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली यानी थर्ड वाली टर्म का प्लस करेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, वो एवरेज किसके बराबर आएगा, मिडल टर्म के बराबर आएगा। अगर वो इसके इक्वल आता है तब जाके वो हमारा अर्थमेटिक मीन कहलाता है।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है राजस्थान बोर्ड के पेपर्स में, वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल वन, सपोज एक एक एपी दे रखी है मुझे, 2, 4, 6, 8 ऐसे एक एपी चल रही है, मुझे बोला इसमें ए और डी फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? ए और डी, और इसकी नेक्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करो। ए और डी तो फाइंड आउट करो ही करो, और ए नेक्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करो। तो मैंने बताया था ए क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है, तो ए हो गया मेरा 2। ए 1 लिखिए या ए लिखिए, एक ही बात है। डी मुझे निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा? ए 2 माइनस ए 1, यानी 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2। एक बार और डी निकालना है, ए 3 माइनस ए 2 कितना आ गया? 6 माइनस 4 इज इक्वल टू, यानी डी मेरा आ गया 2। दोनों में कॉमन आ रहा है, तो डी मेरा आ गया 2। यहाँ पर मेरा 50% क्वेश्चन हो गया। 50% क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन में बोला था कि पहले तो ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो मैंने ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। मुझे बोला अगर वो फाइंड आउट हो जाती है, तो नेक्स्ट फोर टर्म्स भी फाइंड आउट करिए। मेरे पास यहाँ पर ए 1, ए 2, ए 3, ए 4 दे रखा है, यानी मुझे ए 5, ए 6, ए 7 एंड ए 8 फाइंड आउट करना है। तो ए 5 कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए 4 प्लस डी, पहले वाली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो कितना हो गया? ए 5 इज इक्वल टू, ए 4 कितना है? 8 प्लस डी कितना है? 2। तो ए 5 मेरी आ गई 10। इसी तरह ए 6 फाइंड आउट करना है, तो ए 5 प्लस डी तो कितना हो गया? 10 प्लस 2 कितना आ गया? ए 6 कितना आ गया मेरे पास? 12। ए 5 की वैल्यू कहाँ से है? यहाँ से। इसी तरह ए 7 निकालना है, तो ए 6 प्लस डी यानी 12 प्लस 2, तो ए 7 कितना हो गया? 14। इस तरह ए 8 फाइंड आउट करना है, तो ए 7 प्लस डी यानी 14 प्लस 2, यानी ए 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। मुझे नेक्स्ट फोर टर्म्स बोली थी, तो आ गए ए 5, ए 6, ए 7, ए 8। तो अब ये एपी क्या बन गई? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ये मेरी एक एपी बन गई, जो कि मेरा क्या है? आंसर। इस तरह ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। इसी के ऊपर एक और एग्जांपल लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, उसमें क्वेश्चन तो यही रहेगा लेकिन उसमें तरीका करने का हमारा अलग रहेगा, तो देखते हैं किस तरह करते हैं, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी एग्जांपल तो मैं यही ले लेता हूँ, एग्जांपल 2 करके, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये एक एपी बन रही है, मुझे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करिए और नेक्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करिए। लेकिन किस तरह करेंगे अब वो हम देखते हैं, वो एक इसमें आप चलिए पहले मैं करते हैं, फिर हम अच्छी तरह बात करते हैं। ए मेरे को दे रखा है 2, डी मेरे को दे रखा है 2। डी कैसे 2 आया वो हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में देख लिया था, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे निकालना है ए फाइव, पहले जो मैंने ए 5 निकाला था वो निकाला था ए 5 इज इक्वल्स टू ए 4 प्लस डी, यूँ निकाला था। अगर मुझे ए 4 की वैल्यू नहीं मालूम हो किसी क्वेश्चन में, तो कैसे निकालूंगा? मुझे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 8। चलिए क्वेश्चन मुझे ये बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 8, मुझे बोला है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 8, ए 8 एट्थ टर्म इस एपी के फाइंड आउट कर, तो कैसे करूँगा एट्थ टर्म? तो वो बात आती है कि ए 8 इज इक्वल्स टू ए प्लस 7d, फर्स्ट टर्म प्लस 7 इंटू डी। इस तरीके से हम ए 8 फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ए का कितना है मेरा? 2 प्लस 7 इंटू 2 तो इज इक्वल्स टू 2 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 16। तो ए 8 मेरा कितना आ गया? 16। और इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था ए 8 16 ही था। अब इस जगह अगर मुझे ए 7 निकालना हो तो कैसे निकालूँ? या ए 10 निकालना है, चलिए ए 10 निकालना है। तो ए 10 अगर मैं पहले वाले मेथड से करता तो किस तरह निकालता? ए 9 प्लस डी, यूँ ही निकालता। लेकिन यहाँ मेरे पास ए 9 नहीं है, अगर मेरे पास ए 9 ही नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा इस मेथड से? ए प्लस, मुझे यहाँ 7 था लेकिन मुझे यहाँ 8 निकालना था, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे, 9d, ए प्लस 9d, तो कितना हो गया? 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 20। तो ए 10 कितना हो गया? 20। और ये कितना आ गया था? 16। तो इस तरीके से ये दूसरा तरीका है, या तो आप ये वाला तरीका लगाइए। ये तरीका तब काम करेगा जब मुझे इससे पहले वाली टर्म गिवन होगी, लेकिन ये तरीका तब काम करेगा जब मुझे कोई बीच से कोई भी टर्म उठाने को बोल दिया। एक 4 टर्म दे दी, बोलिए ए 50 निकालो, ए 100 निकालो, ए 102 निकालो, तो कैसे करेंगे हम? ये मेथड लगाएंगे, ये मेथड थोड़ी लगाते फिरेंगे 102 बार, 102 ए 102 बोल दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है राजस्थान बोर्ड में, या सीबीएसई में भी कई बार पूछ लेते हैं सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई में, कि भाई तो बच्चे कई बार तो कई ऐसे होते हैं देखकर ही हैरान हो जाते हैं, सर ए 102 निकालो, यानी करते रहो, जबकि 2 मिनट का क्वेश्चन होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे।